अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो जो है आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि करेले बनाने जा रही हूँ प्याज के साथ। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही जो है वो कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। और चले मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसके अंदर जो है वो मैंने तकरीबन आधा किलो मंगवाए थे करेले, मगर उसमें थोड़े से ख़राब निकले थे, तो ये इतने आधा किलो से थोड़े कम करेले हैं। इसको इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। प्याज इसको बारीक काट लीजिएगा, दो से तीन जो है वो दरमियाने साइज़ की प्याज उसको आप काट लीजिएगा। ठीक है, प्याज की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको करेलों के साथ ज़्यादा प्याज पसंद है या इसके बराबर की प्याज पसंद है या इससे कम पसंद है तो वो आप अपने हिसाब से इसमें काट के रख सकते हैं। ठीक है, टमाटर भी आपने ज़रा दो से तीन दरमियाने साइज़ के बड़े से टमाटर जो है वो इस तरह से कट करके टमाटरों को भी रख लेना है। टमाटर अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इतनी क्वांटिटी की इमली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमें टमाटर या इसकी जगह पे इमली, अगर इमली नहीं है तो टमाटर, वैसे इमली से भी अच्छा टेस्ट आता है मगर मैं टमाटर डालती हूँ, टमाटर से मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका लगता है, इसलिए मैं टमाटर यूज़ करती हूँ, इमली यूज़ नहीं करती। लेकिन आप चाहें तो इमली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इमली पसंद है तो, इमली का पानी। ठीक है, और ये है इसके मसाले। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सौंफ लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई मिर्च है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, और जो है 1 टेबल स्पून या थोड़ा सा उससे ज़्यादा जो है ये चीनी है। चीनी ना हो, चीनी अगर मेरे पास चीनी अवेलेबल है, मेरे पास वैसे मैं ज़्यादातर इसके अंदर गुड़ डालती हूँ, इतनी क्वांटिटी में आपने गुड़ डालना है। अगर गुड़ है तो आप गुड़ डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। अगर गुड़ नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं। मैं जो हूँ वो गुड़ डालती हूँ, मेरे पास अभी गुड़ अवेलेबल नहीं है तो मैं इस वजह से इसमें चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने, हाँ, और ऑयल चाहिए हमें डीप फ्राई के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर करेलों को डीप फ्राई करना है, प्याज को डीप फ्राई करना है, फिर उससे निकाल लेना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर करेले अच्छी तरह से काट के भून के जो है मैं इसके अंदर मैं डाल रही हूँ करेले। ये सारे करेले इसमें चले जाएंगे। और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। आपको फ्राई उतना करना है जितना आपको पसंद है, लेकिन हम इतना ज़्यादा भी लाल रेड कलर का फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा कच्चा पक्का सा हमने रखना है, क्योंकि जब हम इसे दम पे लगाएंगे तो ये, इसको सबसे नीचे वाली तह में रखेंगे दम पे लगाते हुए, तो इस वजह से ये फिर और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा दम के अंदर भी, तो इसे हमें कच्चा पक्का सा रखना है। ठीक है, तो जब ये ब्राउन हो जाता है तो फिर मैं वापस आप लोगों के पास आती हूँ। ब्राउन, ये देखिए हमारे करेले जो है वो फ्राई हो चुके हैं, बस इतने ही हमें फ्राई करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। थोड़ा सा ये ग्रीन देखिए कलर आ रहा होगा, बस इतना हमने रखना है ताकि जब ये दम में जाएगा तो उसमें भी जाके ये पकेगा। ठीक है, अब मैं इसको निकालती हूँ और इसको अच्छी तरीके से छान के निकालना है, कोई भी किसी किस्म का ऑयल इसके साथ ना आए। अब इसी तेल के अंदर ये जो प्याज मैंने रखी हुई है कट करके ये इसमें डाल दूँगी। अब ये जो प्याज है इसको मैं इसमें कट करके डालूँगी, डाल दिए मैंने, अब ये फ्राई हो जाती है तो फिर मैं आप लोगों के पास आती हूँ। चाहिए, ये भी हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी है। अब प्याज को ज़्यादा ब्राउन होने नहीं देना है, प्याज को भी हमने कम ब्राउन में निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि जब निकालते निकालते भी ये प्याज को डार्क ब्राउन हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको निकालती हूँ, फिर अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोनों चीज़ें जो हैं वो ब्राउन हो चुकी हैं, नीचे मैंने, ये देखें दोनों चीज़ें हमारी ब्राउन हो चुकी हैं। नीचे मैंने जो है वो करेले की तह रखी है, नीचे जो है वो करेलों की तह है, ऊपर प्याज की है लेयर है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा बीच में जगह बना के बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूंगी। अब ये इसके अंदर स्पून से मैं बीच में इस तरह से वो करके, ये चाहे तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये टमाटर चले जाएंगे, सारी चीज़ें इस तरह से करूँगी। ये जो मसाले हैं ये सारे मसाले इसमें डाल दूंगी। इन सारी चीज़ें हो गई,
अब इन सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, अभी चलाऊंगी नहीं इसको, बस मैं दम लगा दूंगी ढक के। बिल्कुल स्लो फ्लेम है, उसके अंदर मैंने रख दिया, अभी इसको मैं दम पे रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जैसे ही दम आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पनीरे जो हैं वो दम आ चुके हैं, ठीक है। अब ये हमने जब तक इसको दम पे लगाना था, जब तक ये टमाटर सारे नरम नहीं हो जाते, ठीक है। टमाटरों को देखिए मैं चला के देखूंगी नरम हो गए हैं क्या है। अब इन मसालों को सब चीज़ों को मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है, और देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, और हमारा मसाला भी सारा वो हो चुका है, दम पे आ गया है, ये सब चीज़ें घुल चुकी हैं, हमारी चीनी भी घुल गई है इसके अंदर, नमक भी, सारे मसाले भी, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, सौंफ की खुशबू आ रही है इसके अंदर, बहुत प्यारी सी। और ये आप लोग को मैं डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। और ये देखिए जनाब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है करेलों को, और कितने ज़बरदस्त मज़े के लग रहे हैं, शक्ल से ही आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। इसके अंदर चीनी और टमाटर से ये होता है कि आप जो इसकी जो कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती है, अगर आप चाहें तो इसमें टमाटर कम डाल सकते हैं, अगर आपको इसकी जो कड़वापन ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा कम पसंद है तो मैं इस वजह से इसमें टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, आप इसमें कम टमाटर भी डाल सकते हैं अगर आपको कड़वा इसका यानी कि जो इसकी जो कड़वाहट है वो आपको ज़्यादा पसंद है तो, ठीक है। प्रोसेस सारा यही है, इसकी जगह पर टमाटर की जगह आप इमली भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त दाल चावल के साथ खाई जाने वाली ये रेसिपी है, बहुत अच्छी है। अगर आप लोग करेले पसंद है तो आप आराम से दाल चावलों के साथ इसको बनाएं और खाएं, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। दुआओं में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों से कैसी बनी है, और अगर आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाएगा ताकि आप लोग को मेरी नई रेसिपीज मिलती रहें। और अगर आप लोग को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।